350 इतिहाद क्लब और 677/18 अंक के दरमियान खेला गया मैच मुकर्रर वक्त तक बराबर रहा और मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर होगा। पहली पेनल्टी लगाने के लिए 350 के खिलाड़ी और शूट कर गोल कर दिया। ये शूट जबरदस्त शूट, एक पेनल्टी एक गोल। पहली पेनल्टी लगाने के लिए 677/18 के खिलाड़ी आएंगे पेनल्टी लगाने के लिए, देखते हैं ये क्या करते हैं। मुकर्रर वक्त तक मैच बगैर किसी गोल के बराबर खेला गया, दोनों टीमों ने अच्छा खेल पेश किया। आप जुड़े हुए हैं हाफ स्टूडियो 157 यूट्यूब चैनल के साथ, हाफ स्टूडियो 157 यूट्यूब चैनल। पेनल्टी किक हम आपको दिखा रहे हैं, 350 इतिहाद क्लब और गनी क्लब 677/18 की जन्म से पहली पेनल्टी लगेगी जी, और कर दिया ये गोल। एक दोनों टीमों के जन्म से एक एक पेनल्टी लगी है और एक एक गोल हो गए। एक पेनल्टी एक गोल, एक पेनल्टी एक गोल। 15 नंबर शर्ट में आ रहे हैं खिलाड़ी, सॉरी 16 नंबर शर्ट है जी खिलाड़ी आए हैं जी। इतिहाद क्लब 50 की जानब से 350 गट वाला खिलाड़ी आए हैं जी पेनल्टी लगाने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। कीपर मौजूद है जी 18 के, और कर दिया एक गोल। दो पेनल्टी दो गोल, दूसरी पेनल्टी लगेगी 677/18 गनी क्लब में। 286 सीट वाला में टूर्नामेंट का पहला रोज़, आज का ये चौथा मैच, इसकी पेनल्टी किक्स लग गई हैं। इस मैच के बाद 157 इतिहाद क्लब और अल मदीना क्लब रजाना के दरमियान मैच होगा। हारूफा रोक रहे हैं जी 350 की जानब से पेनल्टी, दूसरी पेनल्टी, और विसल से पहले खिलाड़ी आगे पेनल्टी लगाने के लिए, अंपायर ने रोका, दोबारा लगाएंगे जी। डबल माइनर हो गए थे, देखते हैं क्या करते हैं जी। और रोक दी पेनल्टी रूफे ने जी। 7 नंबर शर्ट में पेनल्टी लगाने आए थे 18 गनी क्लब की जानब से, लेकिन पेनल्टी रोक दी गई। इस तरह नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरह ये पेनल्टी रुकने के बाद एक गोल की बढ़ती हासिल होती है 350 की टीम को। 10 नंबर शर्ट में आए जी खिलाड़ी पेनल्टी लगाने के लिए 350 की जानब से, तीसरी पेनल्टी होगी 350 की टीम को। एक गोल की बढ़ती हासिल, 350 गट वाला इतिहाद क्लब और मध्य मुकाबला गनी क्लब 677/18। आपकी स्क्रीन पर 286 सेठ वाला टूर्नामेंट का पहला रोज़ और चौथे मैच की पेनल्टी किक्स, और कर दिए ये गोल 10 नंबर ने। इस तरह तीन पेनल्टी हो गई हैं, तीनों गोल किए हैं 350 की जानब से, जबकि 18 गनी क्लब की जानब से दो पेनल्टियों में से एक गोल हुआ है। तीसरी पेनल्टी लगाने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं जी, तीसरी पेनल्टी लगाने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। तीसरी पेनल्टी लगाने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं ये 10 नंबर शर्ट में, अगर ये गोल भी कर दें तो फिर भी एक गोल का एडवांटेज है 350 की टीम को। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और कर दिया ये गोल, ज़बरदस्त गोल। तीन पेनल्टियाँ दो गोल, तीन पेनल्टियाँ तीन गोल। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल हाफ स्टूडियो 157 यानी 157 को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो आपको पसंद आती है, चाहे शॉर्ट वीडियो है, चाहे लॉन्ग वीडियो है, चाहे कोई मैच है, उसको आप लाइक लाजमी के करें, यही हमारी हौसला अफजाई है। और गोल कर दिया ये हैप्पी ने। नेट में कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए। चौथी पेनल्टी लगेगी जी, देखते हैं क्या करते हैं। चौथी पेनल्टी और गोल कर दिया जी, चौथी पेनल्टी गोल कर दिया जी। पांचवी पेनल्टी लगाएंगे रूफा खुद लगाएंगे जी, पांचवी पेनल्टी, देखते हैं क्या करते हैं जी। स्टॉपर हैं जी, अच्छे डिफेंडर हैं, 350 के काफ़ी तजर्बा कर खिलाड़ी हैं, पांचवी पेनल्टी लगाने के लिए आ रहे हैं जी, देखते हैं क्या करते हैं। रूफा और पेनल्टी सेव हो गई जी रुपये की, एडवांटेज ख़त्म होते हुए जी, एडवांटेज ख़त्म हो गया जी, पेनल्टी इनकी भी रुक गई है। अगर ये गोल करते हैं तो मैच बराबर हो जाता है, अगर 318 अगर 677/18 की टीम गनी क्लब गोल करती है तो मैच बराबर हो जाएगा। अगर ये पेनल्टी रुकते हैं तो 350 गट वाला ये मैच जीत जाएगी और अगले राउंड में पहुँच जाएगी।
फर्स्ट प्राइज़ 50,000, सेकंड प्राइज़ 40,000, और ये रुपए ने पेनल्टी रोक दीजिए। इसके साथ ही 350 गट वाला इतिहाद क्लब इस मैच में विनर हो गई, उन्होंने ये मैच पेनल्टी के एक्सपायर जीत लिया। अभी इस मैच के बाद फौरन मैच शुरू हो जाएगा 157 इतिहाद क्लब और अल मदीना क्लब रजाना के दरमियान, लाइव देखें जी।